फॉर्मल डॉक्स प्रेजिडेंट प्यूटिन एड्रेस पी एम मोदी एज परम दोस्त और अ बेस्ट फ्रेंड एज अ टू टूक दीट फॉर द प्राइवेट डिनर लाइव चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुटन की जो डाचा जो आप कह रहे थे ना डाचा

यू you नो know, कितनी हालत खराब है वेस्ट, मीडिया की एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं दे आर, इन पेन मतलब बोलते ना दर्द हो रहा है उनको आ, मुझे अक्सर आ, आपका लपाड़ा देता तो बाबा बाइडन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है कोई दुनिया है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है अच्छा। चाहे वो पांच घंटे की मीटिंग हो चाहे वो दस घंटे की मीटिंग हो कहीं ना कहीं वर्ड यूजर एंड दीज आर पी एच डी स्कॉलर टॉकिंग अबाउट क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टर्न एनालिस्ट को समझ नहीं आ रहा किस तरह से इसको रिएक्ट किया जाए अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये के के तमाचा है और बड़ा सही मोदी साहब बहुत सही तमाचा। नमस्कार दोस्तों जय हिंद पीएम मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन के साथ देख चीन समेत पूरा वेस्ट मातम मना रहा है पूरे वेस्ट को हजम नहीं हो रहा है कि पीएम मोदी ने रशिया का दौरा ऐसे समय पर क्यों किया जब पुतिन को अपने दोस्तों की जरूरत है पूरे यूरोप में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख पूरा यूरोप की चीखे निकल गई है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन मंगलवार को होने वाले बैठक से पहले पीएम मोदी को अपने आवास जहाँ पुतिन रहते हैं वहाँ पीएम मोदी को डिनर पर इन्वाइट किया जिसका वीडियो अमेरिका समेत यूरोप में सर्कुलेट हो रहा है वेस्टर्न मीडिया का रिएक्शन देख के पता चलता है कि पूरे यूरोप इस विजिट से मातम मना रहा है पीएम मोदी को सोमवार शाम को नोव अगारवो स्थित सरकारी आवास पर पहुंचते ही पुतिन ने गले मिलकर उनका स्वागत किया यहाँ दोनों नेताओं के बीच दोस्ती की खास गुजलबंदी देखी गयी एक और मोदी ने इन्विटेशन के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया तो दूसरी और रूसी प्रेसिडेंट ने पीएम के काम करने के जज्बे की तारीफ की इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी को इलेक्ट्रिक कार में बैठा अपने सरकारी आवास के आसपास खुद पुतिन ड्राइव करके उनको शेयर कराया मोदी साहब ऑब्वियसली रशिया में हैं और उसके रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं वेस्ट से ईस्ट से नॉर्थ से साउथ से हर जगह से रियक्शन आने शुरू हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टर्न एनालिस्ट को समझ नहीं आ रहा किस तरह से इसको रिएक्ट किया जाए दो तीन चार दिन पहले ये लोग जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि भारत को ये देखना है कि रशिया ज्यादा क्लोज ना हो जाए चाइना के उसकी वजह से मोदी वहां जा रहा है

ये इनकी एनालिसिस है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर कितनी जोर से आग लगी है अबाउट दिस रशिया विजिट रशियन रिएक्शन देखता हूं रशिया के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि भाई द वेस्ट इज वॉचिंग विद जेलसी कि इनकी बहुत जल रही है आप आपको दिख ही रहा होगा कि यू you नो know, कितनी हालत खराब है इन वेस्टर्न मीडिया की वेस्टर्न एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं दे आर इन पेन मतलब बोलते हैं ना दर्द हो रहा है उनको पुतिन साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली मोदी जी को जो मेरे को कैच करी एंड बाकी सब तो ठीक है said, you आप बड़े एनर्जेटिक से आदमी हो आपके अपने आइडियाज हैं और आपको लगता है आपको पता है आपको किस तरह से भारत के इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है और भारत के लोगों के इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है आप इसको अच्छे से समझते हैं एंड आप जिस तरह से चीजें कर रहे हैं विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोग तो बह जाते हैं कई दूसरी चीजों के चक्कर में तो ये उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा डायलॉग बोला और प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले भी ये चीज बोली थी कि साहब मोदी जी को या जो भारत के अभी लीडरशिप है उसको भारत के इंटरेस्ट में के दूर ले जाके कुछ काम कराना किसी तरह से फोर्स करना एब्सोल्युटली इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि दे विल नॉट गो अवे फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ भारत एक और रिएक्शन आया जो मैं आपको बताता हूं कि भाई यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर है तो उन्होंने बोला कि जी हमको पता है वो गए हुए हैं और पहला इससे पहले मैं ये बताऊं Uh, इससे पहले रिएक्शन आया था कर्ट कैम्पल जो डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कि भाई यू नो वी अंडरस्टैंड ही इज गोइंग देयर बट वी हैव हम लोग यूएस इंडिया के साथ बात करेंगे अभी उसके बाद बोलते हैं कि साहब हम भारत के साथ पूरी तरह से बात करेंगे इसके बारे में हम पूरी तरह से डायलॉग करेंगे इसके बारे में हम पूरी तरह से एकदम एंगेज करेंगे भारत से कि इसका इसके अंदर हमारे बड़े कंसर्न्स हैं आप रशिया के पास जा रहे हो हम देखो आपको सब कुछ दे रहे हैं और आप रशिया के पास जा रहे हो ये कैसे है ये यही प्रॉब्लम है वेस्ट के अंदर के नॉट अंडरस्टैंड कि भाई एक कंट्री दो तीन कंट्रीज के साथ एक साथ डील कर सकता है विदाउट आस्किंग योर और रिक्वेस्टिंग फॉर योर डैम परमिशन यही एरोगन से वेस्टर्न एनालिस्ट के अंदर जो आज रो रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है और जो डायलॉग्स मार नेवर फगेट मोदी फॉर समथिंग लाइक दिस वी विल नेवर फट मोदी फॉर हुर यू टू फगेट और फगे फॉर वट एवर ठीक है यूक्रेन की वॉर की सच्चाई सबको पता है राइट वी ऑल नो अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वैस के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब सही तमाचा उनके पास चॉइस क्या था मोदी क्या चॉइस जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडिया ये उठा के भागे थे तो लोगों ने दुनिया ने देखा था वो नजारा दुनिया ने देखा था आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं दुनिया देखते जराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है पैसा भी इनसे लेता है इनके दो हजार एजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने या दुबई के प्लाजो के लिए नहीं गए वो नेशनलिस्ट है मैं वो भी बताता हूँ मैं मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, है, तो है, है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुटन की जो डाचा जो आप कह रहे थे ना डाचा वो स्टेट का नाम होता है ऐसा रशियन वर्ल्ड है जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया है और दिस वाज रेसिप्रोकल मोदी साहब जब आए थे जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुटन भारत आए थे तो उस डाचा के अंदर जो जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है मैं अभी थोड़ी पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था तो कि कि मैं समझता मोदी साहब और पुटन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन बाबा बाइडन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है कोई दुनिया प्रेजिडेंट ही कर सकता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बाबा जी पूटन जो है उनको उठा के ले जाते हैं टीके लगाकर तो टीके लगा के नीचे लेते हैं बताता हूं आपको आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चाह रहे हैं अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में अमेरिका परेशान है इस वक्त बोखलाट हो चुकी है शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके कहते ना शिव जब डूबता है चूहे सबसे पहले भागते भाग रहे हैं चूहे इस वक्त